नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा, और आइए देखते हैं न्यूज चक्र में क्या है खास। क्या नरेंद्र मोदी येटी को बनाएंगे चुनावी मुद्दा? क्योंकि मित्रों, अच्छे दिन ना सही, येटी ही सही। राहुल गांधी पर बीजेपी का एक बार फिर मिस फायर, क्या मुद्दे नहीं बचे हैं बीजेपी के पास? और चुनाव आयोग ने कहा कि मेरे मोदी जी कुछ गलत नहीं कर सकते, मोदी जी इज ऑलवेज राइट। मगर आगाज हम करने जा रहे हैं येटी के साथ। अब आप लोगों में से कई लोग कहेंगे, भाई येटी कौन होता है? येटी दरअसल एक मिथिकल बीस्ट है, एक काल्पनिक जानवर, जी हां, कुछ इस तरह से दिखने वाला। मगर क्या आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने अपने इस ट्वीट के जरिए बवाल मचा दिया है? उसका यह दावा है कि उसके एक माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन ने येटी के फुटप्रिंट्स का पता लगाया है। जी हां, बाकायदा तस्वीरें जारी की गई हैं और यह बताया गया है कि इस फुटप्रिंट्स का जो साइज है वो 32 इंच बटा 15 इंच है। और ये फुटप्रिंट्स कहां मिले हैं? 9 अप्रैल को मकालू बेस कैंप में। अब मेरे कुछ सवाल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन फुटप्रिंट्स को, बाकायदा एक फुटप्रिंट के आगे दूसरा फुटप्रिंट, यानी कि एक कतार में है ये फुटप्रिंट। अब जब आम इंसान चलता है तो डगमगा के चलता है। यहां आप देख रहे हैं, नंबर वन, या तो येटी लंगड़ी टांग खेल रहा था, नंबर दो, या तो फिर ये इंडियन आर्मी में है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कोई परेड में चलता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये येटी चल रहा है। मगर उससे भी बड़ी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी सरकार इसका भी क्रेडिट ले ले आने वाले दिनों में? कोई भरोसा नहीं किसी चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ये बोल दें कि मित्रों अच्छे दिन आए ना आए हो, मगर येटी तो जरूर आ गया। मगर क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेता तरुण विजय ने बाकायदा इस पर टिप्पणी की है? यह है उनका वो ट्वीट जिस पर वो क्या कह रहे हैं, ये देखिए। वो कहते हैं, बधाई भारतीय सेना, मगर आप भारतीय हैं, कृपया उसे जानवर ना कहें, थोड़ी इज्जत दीजिए। अगर आप कहना भी चाहते हैं तो उसे बीस्ट मत कहिए, उसे बर्फ मानव कहिए। वाह साहब, संस्कारी भारतीय जनता पार्टी और संस्कारी नेता। मैं तो कहता हूं तरुण विजय जी, इसे बर्फ मानव भी क्या कहने की जरूरत है, इसे आप चौकीदार यतिश्री कहिए, चौकीदार यति जी। और यही नहीं, आपका जो सुपरहिट गाना है ना, हाँ मैं भी चौकीदार हूं, क्यों ना आप यति को वही गाना समर्पित कर दीजिए कुछ इस अंदाज में। अकेला चल पड़ा मैं उसकी ही कतार हूं, हाँ मैं भी चौकीदार हूं। सच तो ये दोस्तों कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सियासत बिल्कुल काल्पनिक चल रही है, येटी की तरह। जी हां, एक बार फिर उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा उठाया है। और ये नहीं दोस्तों, इससे पहले 3 बार उठाया जा चुका है मुद्दा और तीनों बार मुंह की खानी पड़ी है। इस बार मैदान में किसे उतारा गया है? सुब्रमण्यम स्वामी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने किया? माननीय संबित पात्रा ने। और बाकायदा गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है कि कृपया इस बात पर जवाब दें। और क्या आधार बनाया गया है, जैसे कि आप इस लेटर में देख सकते हैं, सवाल पूछा गया है राहुल गांधी से। इट हैज बीन ब्रॉट आउट दैट अ कंपनी नेम्ड बैक ऑप्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड इन द यूके इन द ईयर 2003 विद एड्रेस 51 Southgate Street, Winchester, Hampshire, SO239EH. And Rahul Gandhi was one of the directors and secretary of the said company. अब गौर से सुनिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये पहली बार नहीं है बल्कि ये तीसरी बार है जब राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा उठा रहे हैं। मगर आप जानते हैं इस बार फर्क क्या है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इस वक्त बीजेपी को बाकायदा साथ मिल रहा है गोदी मीडिया से। गौर कीजिए, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक और आज तक, ये तीनों स्क्रीनशॉट्स जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन चैनल्स ने बाकायदा इसे
अपने चैनल के प्राइम टाइम में जगह दी, इस पर जोरदार बहस की। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। तथ्य नंबर एक, साल 2015 में चीफ जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस अमिताव रॉय ने ऐसी एक याचिका को खारिज कर दिया था, इसे फ्रिवलिस बता के, फ्रिवलिस यानी कि तुच्छ बताकर, यानी कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया। सवाल यह कि फिर बीजेपी इस मुद्दे को क्यों उठा रही है जबकि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर चुकी है। क्या आप जानते हैं कि जस्टिस दत्तू ने उस वक्त क्या कहा था? जस्टिस दत्तू ने कहा था, क्योंकि मुद्दा जस्टिस दत्तू के सामने यह था कि उनके सामने एक दस्तावेज पेश किया गया था जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश बताई गई थी। इस पर जस्टिस दत्तू ने क्या कहा था, हम कैसे पता करें कि दस्तावेज असली है? क्या हम यहां बैठकर इसकी जांच करें? यह जनहित का मुद्दा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुका है। अब तर्क नंबर दो, क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला करने के बावजूद यह मुद्दा संसद के सामने लाया गया था? लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसे पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी को भी भेज दिया था, मगर मुद्दा एक बार फिर कूड़ेदान में डाल दिया गया। फैक्ट नंबर तीन, सितंबर 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी, जो अब यह दावा कर रहे हैं कि राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं, ने क्या कहा था आप जानते हैं? कि राहुल इटालियन नागरिक हैं। और मैं उन्हें कोट करना चाहूंगा, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि राहुल गांधी कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वो इतालवी नागरिक हैं, मैं जल्द साबित करूंगा। तो चचा, पहले ये तो फैसला करो कि ब्रिटिश हैं या इटालियन हैं, और जब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए तब हमें बताइए। दोस्तों, ये जो नाटक चल रहा है ना, ये जो कमल छाप येटी पॉलिटिक्स चल रही है बीजेपी की, इस पर मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर एक, क्या भारतीय जनता पार्टी फर्जी राष्ट्रवाद के जरिए चुनावों में जीत हासिल करना चाहती है? अरे भैया, जीत जाओगे चुनाव, इतना काहे बौखला रहे हो? सवाल नंबर दो, ये उसके सियासी दिवालियेपन का प्रमाण है कि जिस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है, आप उस मुद्दे को फिर उठा रहे हैं। सवाल नंबर तीन, मीडिया को भी मालूम है कि अदालत का फैसला आ चुका है, तो फिर यह मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। उनके सामने पैदा हुआ, उनके सामने उसकी परवरिश हुई, उनके सामने वो बड़ा हुआ, सबको मालूम है। क्या बकवास है। तो असल मुद्दे नहीं उठते हैं, नकली मुद्दे उठाए जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने वर्धा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व आतंकवाद के बारे में जो बयान दिया था, उसके बारे में कहा है कि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं प्रधानमंत्री का वो बयान एक बार फिर। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। वाह मोदी जी वाह, ये तो प्रधानमंत्री का ही कर्तव्य होता है ना कि जो देश में बहुमत में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भड़काएं, उन्हें दबा कुचला बेचारा बताएं, उन्हें उग्र बताएं कि साहब तुम्हारे नाम पर आतंकवाद किया जा रहा है। तो एक तरफ जहां मीडिया में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर बहस हो रही है, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि यह मुद्दा जो महत्वपूर्ण है, यह आपके सामने लाया भी नहीं गया है। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस की नेता सुष्मिता देव ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि चुनाव आयोग अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भड़काऊ बयान पर संज्ञान नहीं ले रहा है? और कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि 5 अप्रैल से लेकर अब तक, इस वक्त जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के कथित चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मुद्दे पर एक भी मीटिंग नहीं की है, जबकि प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक इबारतें कायम की हैं, मिसालें दी हैं, जिसमें उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का कथित वायलेशन किया है। आप खुद सुनिए। वोटरों को क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयरस्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये
ठीक किया ना मैंने, और ना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तो मेरा सवाल आपसे दोस्तों, क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? हाँ, क्या मीडिया को इस पर बहस करनी चाहिए? बिल्कुल। क्या मीडिया बीजेपी का पिछलग्गू है? वैसे दोस्तों, मोदी जी ने ना बाकायदा कसम खा रखी है कि इन चुनावों में मैं अपनी जिंदगी भर के जितने भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस कर सकता हूं कर दूंगा। आपके सामने हमने ढेरों मिसालें पेश की। अब आपको याद होगा कि जब ये पश्चिम बंगाल गए थे तब उन्होंने बाकायदा ये बयान दे डाला कि ममता दीदी, आपके 40 विधायक मेरे समर्थन में हैं और 23 मई को आपकी सरकार भी गिर सकती है। अब आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री को ऐसा बयान देना शोभा देता है? सुनिए। दीदी देख लेना, 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे चारों तरफ कमल खिलेगा तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़कर के भाग जाएंगे। आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है। अब ममता दी थोड़ा ना पीछे रहने वाली हैं। जी हां, आपको याद होगा कि चुनावों के दौरान कितनी जबरदस्त हिंसा आसनसोल में हुई थी। ये मोहतरमा भी बहुत कम नहीं है। वैसे डेरेक ओब्रायन ने बाकायदा पत्रकारों से बात करते हुए यह अपील कर डाली है कि प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन रद्द करना चाहिए क्योंकि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने अपने एक शो में आपके सामने तर्क रखा था कि किस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अपने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक अधिकारी यशपाल कपूर का इस्तेमाल किया था अपने चुनावी कैंपेनिंग के लिए। नतीजा यह हुआ कि इस मुद्दे को चुनौती दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट में और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की सदस्यता को खारिज कर दिया, जिसका नतीजा थी इमरजेंसी। मगर अब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बाकायदा नीति आयोग से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर एडमिनिस्ट्रेटर्स, पुलिस सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर मीडिया खामोश, अदालतें खामोश और इस मुद्दे को लेकर आपके सामने बात तक नहीं पहुंचाई जा रही है। मगर यही तो काम है हमारा कि न्यूज क्लिक, न्यूज चक्र आपके सामने वो मुद्दे लाता है जिसे छूने से दूसरे लोग डरते हैं, क्योंकि हमें आपका ख्याल है। बहरहाल, मेरी आप सबसे अपील कि इस शो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक और शेयर करें और न्यूज क्लिक के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।